जी हाँ, अगर आप मैदे में नमक, अजवाइन, थोड़ा सा तेल और बहुत ही थोड़ा पानी डालकर उसका आटा लगाओगे और इसको सिर्फ आधे घंटे तक आप आराम करने दो, तो आपका आटा ऐसा बनता है कि आप उसके समोसे बना सकते हो। लेकिन हम इसके समोसे नहीं बनाएंगे। इस लोई को मैंने पूरा बेला है और जितना एक्स्ट्रा था उसको काट दिया है। अब उबले हुए आलू को घिसकर अगर आप उनमें थोड़े से मसालों के साथ फ्रेश धनिया और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालोगे और चपाती में एक छोटी सी कटोरी रख के उस आलू को फैला दोगे, फिर उस छोटी सी कटोरी को हटाकर आप पिज्जा कटर से काटोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ट्रायंगल्स, और इन ट्रायंगल्स में थोड़ा सा पानी लगाकर आप इनको रोल करके एकदम मीडियम फ्लेम पे आराम आराम से फ्राई कर लोगे तो आपको मिलेंगे देसी क्रिसॉन। अब चाय पार्टी होगी फुल ऑन जब साथ में होंगे देसी क्रिसॉन। तो एक बार मेरे कहने पे बना के तो देखो।